खुद ही जब हम लोग आए थे विजय भाई के घर, तो आप लोग का देख रहे थे कमेंट आ रहा था, तो वहाँ पर आए हुए हैं, तो राजरप्पा मंदिर जो है अब जरूर जाइएगा वहाँ। तो हम लोग जो पूजा करके निकल ही रहे थे कि हमें एक और मंदिर दिख गया यहाँ पर, और पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं और हम लोग अपना मुलाकात किए, काफ़ी अच्छा लगा। किसी ने जल्दी बिल्कुल किसी न किसी बहाने हम लोगों की मुलाकात हो जाती है। कार जी कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी आपका जो है थोड़ा सा आवाज गूंज रहा होगा, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं जी एक होटल में, और ये होटल क्या जी एक है बैंकेट हॉल, और साथ में जो है रूम सब होता है। अच्छा बर्थडे के लिए बुक कर लिया। हाँ जी, तो दो दिन बाद हमारा बर्थडे है, तो उसकी भी करनी है तैयारी। हाँ बैटरी पापा के पास है, पापा के पास है। तो शिवांश जो है अपना ढूंढ रहा है बैटरी, बैटरी पापा के पास, पापा के पास। तो हम लोग जी यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ पर आए हुए हैं तो राजरप्पा मंदिर जो है जा करके हम लोग घूम ले। पहले सोचे थे देवघर जाएंगे, लेकिन क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम लोग यहीं पर स्टे कर लिए, और फिर हम लोग जो है अब यहीं पर जाते हैं मंदिर जा करके घूम लेते हैं। और मंदिर घूमने के बाद जो है बगल में अगर होगा तो एक वाटरफॉल है हुंडरू वाटरफॉल, तो वह भी घूम लेंगे। और इन सबको देख सकते हैं, इतना बड़ा हॉल मिल गया है, और यहाँ पर ये लोग एकदम उधम मचा रहे हैं दोनों मिल के, शिवांश और क्रियांश। ओए होए होए ओए होए होए ओए। तो फिलहाल जी सभी लोग तैयार हैं, देख सकते हैं जी यहाँ पर सभी लोग आ गए बाहर। तो सभी लोग जी बैठ गए हैं गाड़ी में, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर जो है मुश्किल से 10 किलोमीटर के आसपास है, तो नज़दीक में ही मंदिर, तो मंदिर में जा कर के हम लोग दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद अगर समय मिला तो हम लोग जो है जाएंगे एक वाटरफॉल भी, लेकिन अगर समय रहा तब तो उसके बाद देखते हैं। हम लोग जी पहुंच गए मंदिर के पास, और देख रहे हैं पहले से यहाँ पर अच्छे खासे श्रद्धालु सब है, ट्रक बस गाड़ी मतलब सुमो बोलेरो सब लगा हुआ है, मैजिक वही लग रहा है, पता नहीं। चलिए आगे लेके चलते हैं, कहीं तो होगा जगह, नहीं होगा तो पीछे आके लगा देंगे। तो हम लोग पहुंच गए जी मंदिर के पास, गाड़ी यहाँ लग गई है, और उसमें गाड़ी का जो है पार्किंग भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप प्रसाद लेते हैं इनकी दुकान से तो इनकी दुकान के बगल में गाड़ी लगा सकते हैं। तो हम लोग जो है गाड़ी लगा दिए इधर, और प्रसाद दिया जा रहा है, और साथ में जो है फूल सब भी चढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तैयार। चप्पल सब जो है खोल के रख दिया है गाड़ी के अंदर। चल रहे यहाँ प्रसाद, प्रसाद शिवांश इधर प्रसाद खा लो। तो ये हमने प्रसादी ले लिया, और ये चुनरी जो कि बहुत सुंदर है। अच्छा। ये चुनरी ले रहे, देखिए अच्छा है। ए जी ये चुनरी, ये वाला लेते हैं। छोटा लेंगे तो माता पे नहीं चढ़ेगा, बड़ा लेंगे चढ़ेगा, सब अपने पसंद से ले लिया हम लोगों ने जय माता दी का। छोटा पर सर ही बड़ा है आपका। इससे बड़ा है क्या थोड़ा सा? ये सब एक साइज़ है। तो सभी लोगों ने जी ले लिया है प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद जो है अब सीधा चलेंगे मंदिर। और क्रियांश के सिर के ऊपर भी यह बांधा था, क्रियांश के सिर पर भी बांधा था यार, लेकिन क्रियांश जो है अपना उतार लिया, बहुत कोशिश की कि पहने रखे, लेकिन नहीं पहनना चाह रहा। कोई बात नहीं, देखेंगे मंदिर के पास पहना देंगे अगर होगा तो। और उधर शिवांश जो है जिद कर रहा है कि उसको खिलौना लेना है, और अच्छा जैसे भी फिर लिया एक, वाह। तो जी जब हम लोग आए थे विजय भाई के घर, तो आप लोग का देख रहे थे कमेंट आ रहा था, तो वहाँ पर आए हुए हैं, तो राजरप्पा मंदिर जो है अब जरूर जाइएगा वहाँ पर। तो हम लोग जी फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। अरे भैया फूल सब ले चुके हैं सब कुछ, तो कहे जीत कर रहे हैं, सब कुछ लिया हुआ है, चुनरी सहित सब कुछ लिया हुआ है। तो हम लोग जी यहाँ पर आ गए हैं, और मम्मी को बताए कि यहाँ पर जाने वाले हैं, तो मम्मी के हाँ जरूर जाना, और मम्मी को भी पूरा एकदम इतिहास सब यहाँ का अच्छे से याद है। क्रियांश अपना जो घर का मंदिर है वहाँ पर जय 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 करता है, तो आप इसको सीधे ले आए शक्ति पीठ में, अब यहाँ पर क्रियांश करेगा जय। यही मंदिर है, चलिए चलिए।
आराम से, टाइल सभी गीला है। तो हम लोग आ गए जी मंदिर के अंदर और यहाँ पर भी अभी मंदिर को अच्छे से धोया गया है, तो अंदर शायद अभी भी सफाई चल रही है, इसलिए हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। पूजा अपना ही भूल के जा रही थी, भूल गई पूजा, इतना भगवान से मांगी कि ये भूल गई। तो हम लोग पूजा करके निकल नहीं रहे थे कि हमें एक और मंदिर दिख गया यहाँ पर, पीछे तरफ देखने बहुत ही बड़ा शिवलिंग है तो, और गिलास जो है यहाँ पर तो वही मचा रहे हैं, चाह रहे हैं नीचे उतरने के लिए, लेकिन क्योंकि टाइल्स हैं और वहाँ पूरा भींगा हुआ है तो सही नहीं लग रहा है कि इसको नीचे यहाँ उतरने दे, कि फिसल सकता है यह। तो हम लोग चलते हैं सीधा बाहर, कैमरामैन वाले भाई साहब जो हम लोगों का फ़ोटो भी लिए थे तो उनसे जा कर के जो है ले लेते हैं, एक फ्रेमिंग रहेगा। तो मंदिर से हम लोग बाहर निकल गए हैं और यहाँ पर कुछ चल रही है खरीदारी, यहाँ पर लिया जा रहा है चूड़ी और सिंदूर, तो जी अपना ले रही है और क्रियांश को अपना इधर मिल गया है जेसीबी, तो क्रियांश अपना जेसीबी चला रहा है जो कि पहले शिवांश के पास था, शिवांश कैसे मन भर गया तो हम लोग सोच रहे थे खरीदने का, लेकिन यहाँ पर पता चला कि शिवांश का मन जो है कुछ ही देर में भरने वाला है, खरीदने का जरूरत है नहीं। नया चीज ढूंढने से पहले तो निकलो पूजा। हाँ ले लिया, उसके बाद एक और ढूंढ लिया ओला। हाँ। ओला से मन भर गया है, बाइक देख रहा है शायद कुछ, हाँ लेके आया है, देख देख रहे शिवांश ये पसंद आया है, हो गया ना मन भर गया, हो गया चलिए दे देना, ये नहीं रहूं ठीक है। पूजा दर्शन हो गया जी, प्रसाद भी हम लोगों ने सब खरीद लिया है और यहाँ से अब चल रहे हैं अगले डेस्टिनेशन पर, और अगले डेस्टिनेशन पर जो है एक हमें थोड़ा डाउट है कि हम लोग घूम भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वह जो डेस्टिनेशन है जी वह है हुंडरू वाटरफॉल और उसका जो बताया जा रहा है क्लोजिंग टाइम है वह 4 से 5 बजे के करीब है, तो 4 तो अभी ही बज रहे हैं, तो लेकिन हम लोग बस इस अंदाजे पर चल रहे हैं कि नहीं शाम तक थोड़ा खुला रहेगा, और वहाँ पर जो है बस खाली बाहर से हम लोग घूम लेंगे, वहाँ से नीचे जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बताया गया कि अच्छा खासा सीढ़ी चलना पड़ेगा 800-900 सीढ़ी के करीब, जो कि मुश्किल है अभी कर पाना, अगर शायद सुबह निकली होते तो शायद हो सकता था, लेकिन आज उठने में थोड़ी हमें देरी हो गई, तो कोई बात नहीं चलते हैं और घूमते हैं, जो भी नज़ारा होगा यहाँ का नज़ारा लेते हैं। होटल और ड्रेस वेस चेंज कर दिया और ये दोनों बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, शिवांश दोनों एकदम मौज से खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो स्पेस है ना सब मैरिज हॉल है तो पूरा स्पेस खाली है, पीछे डेकोरेशन वगैरह भी हो रहा है। शिवांश शिवांश पूजा, इन दोनों के पापा चले गए विजय भाई से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर पे, तो उन्होंने कॉल किया था कि एक बार आके मिल लीजिए, तो फिर वो चले गए और यहाँ पे दो बच्चे हैं, इतना हल्का मजा के रखे ना, लाइट भी कट गई थी लेकिन लाइट आ गई है, और अभी हमने ऑर्डर किया है एक प्लेट चाउमीन, थे हम लोग दो आदमी लेकिन एक कितना देगा, यही काफी हो गया, बहुत ज्यादा दूध नहीं पिएंगे लोग, बस चटोड़ो तो जा The next day. राजरप्पा मंदिर तो हम लोग घूम लिए जी और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ घूम करके, और ठीक अगला दिन का यहाँ सुबह है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग इस समय तैयार हो गए और तैयार होकर के अब निकल रहे हैं अपने घर कटिहार की तरफ। जी हाँ हम लोग निकल रहे हैं और उधर भाई साहब जो है यहाँ से चले जाएंगे अपना जो घर है उनका वैशाली उस साइड चले जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा रहा यह ट्रिप, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे नए लोगों से मिले और एक नया जगह जो है घूमने को भी मिला, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर भी किया। तो रुद्र भाई सबका भी सामान सब तैयार है और वहाँ स्टेज भी देख सकते हैं सज गया है, यहाँ पर लग रहा है आज कोई फंक्शन होने वाला है और जिस तरह का ऐसा शादी का ही ऐसा लग रहा है, स्टेज सब दिल सब बना हुआ है, शादी का ही होगा, बीच में सिंहासन लगा देगा। हम लोग सुबह रेडी हो चुके हैं और पूजा जाएगी अपने रास्ते और मैं जाऊंगी अपने रास्ते, यहाँ से हम दोनों का बिल्कुल अपोजिट साइड है, एक इधर तो एक इधर, बहुत दुख की बात है कि अपोजिट साइड है, साथ में चलते और ज्यादा अच्छा, बहुत मजा आता है और इतना दिन साथ रहे लेकिन मन कर रहा है कि बहुत कम दिन,
क्योंकि जितना दिन रहे ना साथ ही मेरे, इस बार बहुत टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, है ना, बहुत ज्यादा रील भी बहुत सारा बनाया इस बार, तो मन भर के बनाया, बातें भी इतनी की। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने के लिए। हाँ तो चलते, इन लोगों का कॉल आ रहा है नीचे। हाँ बेटा, अम्मा आओ ना। तो हम सभी रेडी हो चुके हैं, सभी लोग जा चुके हैं। मैं क्रियांश के लिए यहाँ से दूध ले रही हूँ। अभी क्रियांश के लिए दूध दिया था लेकिन क्रियांश ने उसको गिरा दिया, तो पिला भी दिया उसको। एक बॉटल दूध भी ले लेती हूँ रास्ते के लिए, और वैसे रास्ते में ज़्यादा पीता है नहीं लेकिन फिर भी मैं ले लेती हूँ और चलती हूँ। सभी लोग बाहर में इंतजार कर रहे हैं, मैंने बोला नहीं एक बॉटल दूध ले के जाऊँगा। यहाँ पे भैया दूध गर्म कर रहे हैं। तो हम लोग का गाड़ी भी बाहर निकल गया है और सारा सामान भी उसमें डाल दिया है हमने, और यहाँ पर कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत फोटो शूट। तो जी अपना फोटो खींच रही है, हम लोगों ने भी कुछ रील बनाया क्योंकि बैकग्राउंड बड़ा अच्छा सा मिल गया और डेकोरेशन यहाँ पर किया हुआ था, तो सोचा कि हम लोग भी थोड़ा सा जो है इसका फ़ायदा उठा लें। और उसके बाद जो है बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही हरा भरा जगह है और मौसम भी बड़ा बेहतरीन है। और मिट्टी यहाँ का देखते हैं, हम लोगों से थोड़ा अलग है, हम लोग के साइड का रहता है पूरा ब्लैक सॉइल। और फिलहाल क्रियांश भी आ गया हमारे गोद में, आजकल कैमरा से शर्मा रहा है और कैमरा से बहुत दोस्ती था इसको। क्रियांश, तो हम लोग जी अब यहाँ से निकलने वाले हैं और दोनों का रूट जो है अलग अलग है। हम जो है जाएंगे रोड के उस साइड, रुद्र भाई जाएंगे रोड के इस साइड, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे करके हो जाएगा और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और हम लोग अपना मुलाकात किए, काफ़ी अच्छा लगा, किसी ना जल्दी बिल्कुल किसी न किसी बहाने हम लोगों की मुलाकात हो जाती है, तो अच्छा लगा काफ़ी मिल करके। तो अब यहाँ से चलते हैं। आप लोग को आपका कितना समय लगेगा? 357 किलोमीटर है, 6-7 घंटा लगेगा। तो हमको लगेगा 10.5 घंटा, 10 घंटा के करीब लगेगा। तो अच्छा सफर होने वाला है, तो चलते हैं। इतने सारे इस बार मैंने रील शूट किया इसके साथ, ले ले भाग रहा है। क्या कर रहा आज आना से मन में आने वाले पास आ जा, टपनी 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 दिखा, ये नीचे भागना चाह रहा है मिट्टी में, मिट्टी में चले गए, जा जा फिर। अब एक भी कपड़े नहीं बचे, सारे कपड़े खत्म, जबकि एक्स्ट्रा 2-3 कपड़ा लेके आई थी मैं। और इस बार इतना शूट किया हमने, इतना टाइम स्पेंड किया है बहुत सारा, क्योंकि सर घूमे हुए कुछ नहीं, नहीं घूमे हुए उतना कुछ नहीं, नहीं। बस खाली रूम में बैठ के हम लोग गप्पे किए, मंदिर एक मंदिर घूमा और वो विजय भाई के घर जो भी पार्टी हुई थी वो भी पास में ही था हमने, तो वो भी घूमने की जगह ही थी। चलो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ पे आके, और नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो फिर से घूमेंगे, बहुत सारा घूमेंगे, बहुत जगह यहाँ पे घूमने की पता ही नहीं था, लेकिन बहुत काजल लग गया, ले दे की काजल लगा दी मैं, अच्छी कर ले ठीक है।